ये अभी एक नया सिस्टम आया, पहले जो फुहारे आते थे उसमें खर्चा कुछ ज़्यादा आता था और जो ऊपर से चलते थे, अभी आया नया रेन पाइप, इसको रेन पाइप कहते हैं। इसके फुहारे इसके पाइप के अंदर से निकलते हैं, तो उससे क्या क्या किसी फसल को नुकसान नहीं होता है। जैसे अपन प्याज ले लें, लहसुन ले लें, जीरा ले लें, जो भी अगर ना 1 फीट की जो फसल है उसमें किसान भाई अगर रेन पाइप लगाता है तो सबसे बेस्ट और अच्छी एक पाइप, यानी कि इधर से इधर ही दोनों साइड की दूरी 3 मीटर, 3 मीटर इधर और 3 मीटर, 6 मीटर जगह कवर करती है। एक रेन पाइप आता है 100 मीटर के लगभग, यानी कि एक पाइप 600 मीटर जमीन गीले करता है। ये जो अपने फवारे वाले पाइप होते हैं जी उसमें अपन ये जो वाला आता है इसको पानी कम ज्यादा करने के लिए, ये अपने किस पानी कितने पानी की जरूरत है उतना पानी अपन दे सकते हैं। फसल इसमें फसल में क्या है, इसके आवश्यकता अनुसार अपन इसको पानी दे सकते हैं, उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी जमीन वो तड़कने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आता है 2100 समथिंग पाइप आता है, और उसके बाद ये जो फिटिंग आते हैं वाल आता है, सेडल आता है, इसका जो एडेप्टर आता है वो सब अलग अलग एक खर्चा बैठता है। अभी हमारे गांव में लगभग 6-7 पट्टे में लगाए, आसपास गांव में 8-10 पट्टे लगाए, अभी और लगा रहे हैं इस साल, यानी कि वो गए साल लगाए वो लोगों ने देख के प्रेरित होके इस साल बहुत लगा रहे हैं। इसमें इसमें क्या, लास्ट टाइम में जो अपन इसकी लुवाई करते हैं या चिराई करते हैं उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, किसी खेत में पानी की जरूरत पड़ती है और किसी खेत में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अपन लास्ट में अगर इसमें पहले करते हैं या चीर लगा रहे हैं उसमें अगर एक चीर लगाने के बाद पानी की जरूरत पड़ी तो अब फिर ये अपन क्या कि इसमें अगर पानी लाए चारे, वो चारी होती है, चारे में अगर पानी देंगे तो वो चारी पूरी भरेगी, यानी कि अब पानी उसको कम चाहिए पर अपन को पानी पानी उसको पूरा देना पड़ेगा क्योंकि वो पानी चारी भराएगी। इसमें ये फायदा होगा अपन को 1 मिनट के लिए पानी चाहिए तो 1 मिनट ही पानी मिलेगा इसको, 2 मिनट का 2 मिनट ही मिलेगा, यानी कि आवश्यकता अनुसार अपन इसकी पीली कर सकते हैं।